વાંધો નહીં. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी बडी, क्विकलिंग ट्यूसडे की इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जयेश बत्रा, और हम सब लोग हैं आप सबके चहेते चैनल प्रोफेसर जयेश बत्रा सीए गुरु पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सीए इंटरमीडिएट मई 2023 का रिजल्ट, जो कि कल सीए इंटरमीडिएट और फाइनल का आने वाला है। बच्चों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है और ये एक बड़ा ऐसा समय होता है जब समय कटता नहीं है। पत्रा सर को जैसा पता है, आपको पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो गए सीए फ्रेटर्निटी में, 66 सीए एग्जाम अटेम्प्ट। तो बेटा, मैंने ये टाइम बड़ा क्लोजली देखा है, हजारों लाखों बच्चों को इस तरीके से एग्जाम से पहले एंजाइटी में देखा है। तो मैंने कहा ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि बीइंग ए वेटरन ऑफ दिस इंडस्ट्री, मैं चलूं और बच्चों के साथ कुछ बात करूं, उनकी कुछ एंजाइटी लेवल को कम किया जाए और उन्हें थोड़ा सा ईज अप किया जाए। मैं देख रहा हूं इस समय चैट में काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारे बच्चों को बता दो, बत्रा सर आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं आंचल, प्रणाली वानी, निशा साहू, प्रियंका शर्मा, सोनिया जैन, मोहिनी बंसल, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आर्यन राज भी जुड़ गए, फटाफट जुड़ते चले जाओ। छवि गुप्ता भी आ गई हैं, तो फटाफट से सब जुड़ते चले जाओ। आज हम करेंगे एग्जाम से पहले इस कत्ल की रात के बारे में आपसे कुछ बात। रजनीश पटेल भी आ गए, वेरी गुड, आ जाओ फटाफट जुड़ते चले जाओ। तो बच्चों के मन में इस समय बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या होगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कैसा होगा रिजल्ट। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज अपन कुछ डिस्कस करें और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बताइए आप, इन दिनों एग्जाम के बाद में कैसी बीत रही है आप सबकी, उसके बाद कल की बात तो अपन करने वाले ही हैं। सुमित बोहरा, गुड इवनिंग बेटा। विशाल कह रहा है डर लग रहा है, तो बेटा तू शाहरुख खान की मूवी देखना छोड़ दे बेटा, ताकि डर लगना तुझे बंद हो जाए। फटाफट जुड़ते चले जाओ, और बेटा आज के सेशन के बारे में जानकारी आप सभी अपने ग्रुपों में भी दे दो। ये बत्रा सर लाइव आ चुके हैं, और आ जाओ सारे बच्चे बेटा, आज आपके मन के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं देने की कोशिश करने वाला हूं। तो वन डे बिफोर एग्जाम, वो एक ऐसा समय होता है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है और मन में कई तरीके के प्रश्न उठ रहे होते हैं। तो आपके मन में किस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिए, ताकि हम बात वहीं से शुरू करें। आर्यन कह रहा है आपसे मुझे पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स, मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, मैं दो पेपर लेके आ रहा हूँ बेटा, पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर, और साथ में लेके आ रहा हूँ बेटा पेपर नंबर 4 इको वाला। दो पेपर में फाउंडेशन के मैं खुद ला रहा हूँ बेटा, और इंटरमीडिएट में तो पता ही है बेटा आपको, न्यू कोर्स आ चुका है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लाएंगे हम आपके लिए। बच्चे पूछ रहे हैं आप कैसे हो बेटा। बत्रा सर एज हैंडसम, एज यंग, एज डैशिंग, एज क्यूट, एज कूल, एज एवर। आर्यन कह रहा है सर आपसे मुझे पढ़ना है, वो तो बात हो गई। आंचल कह रही है आईटी कोर्स कर रही हूं सर, आर्टिकलशिप के लिए रिज्यूम भेज दी है, ओसी कोर्स बाकी है, आर्टिकलशिप में भी बहुत टेंशन हो रहा है। बाप रे, टेंशन ही टेंशन हो गया है, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है बहुत, कैसे ओवरकम करें अभी बताएंगे बेटा उसका तरीका। आंचल कह रही है मेरा जीवन हो गया है, अगर ये बार G2 नहीं हुआ तो अब तो आर्टिकलशिप भी स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट बोथ ग्रुप।
लास्ट राइड पूछ रहा है कितने बजे तक आ जाएगा, सब बताएंगे बेटा। प्रीति कह रही है सर दो तरह के ख्याल आ रहे हैं, सम माइंड से आई विल पास बट इमीडिएटली मैनी निगेटिव कम्स। निगेटिव थॉट को दिमाग से निकाल दो बेटा। आर्यन कह रहा है कहाँ पे पढ़ाओगे बेटा, अपने ऐप पर ही पढ़ाएंगे, बत्रा सर के ऐप पे पढ़ाएंगे। रजनीश कह रहा है आप स्माइल क्यों नहीं करते बेटा, पैसा देते ही नहीं है बेटा मेरे को। मैं बेटा हाँ मैं क्या है बेटा ट्रेन किया करता हूँ बेटा, अर्चना पूरन सिंह जो है और बेटा नवजोत सिंह सिद्धू मेरे शिष्य रहे हुए हैं, तो बेटा वो हंसने के पैसे लिया करते हैं, उनको ट्रेन मैंने ही किया है, तो जब तक मुझे भी ऐसी कोई कुर्सी नहीं मिल जाती बेटा बत्रा सर नहीं हंसेंगे। आंचल कह रही है ऐसा टेंशन हो रहा है आगे क्या होगा, अब लाइफ में रिजल्ट का थोड़ा कम है आगे की टेंशन ज़्यादा है। शादी के बिना टेंशन होते कैसे है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है, बिन शादी टेंशन। रजनीश कह रही है मैडम के आने से नहीं करते हैं बेटा, वो तो वाईफाई बंद हो जाता है, वैन वाइफ मोड इज ऑन वाईफाई गॉन, वो तो एक अलग ही मैटर रामायण है। चलिए मेरे ख्याल से सब बच्चे आ गए हैं, हमें बात शुरू करनी चाहिए। तो बेटा आज का जैसा हमारा टॉपिक है क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट बच्चों के मन में बहुत सारी एंग्जाइटी, और उस एंग्जाइटी को दूर करने की एक ही दवा बेटा आपके फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड प्रोफेसर जयंत बत्रा आपके इस चैनल पर हाजिर है। तो पहली बात तो बेटा ये समझ लें इट इज जस्ट एन एग्जाम, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आपके फेवर में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट इट इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा। तो पहले तो ये समझ लें हम लोग कि जिंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट चलते रहते हैं, हर बार आपके मन की नहीं होती है। मेरी दादी जी कहा करती थी बेटा कि अगर मन की हो जाए तो बहुत अच्छा और अगर मन की नहीं हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि शायद ऊपर वाला आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखे हुए था और आप इसी से खुश हुए जा रहे थे। और बेटा मैंने पढ़ाते हुए कई ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं आप लोगों को कि कई बार हम जैसा चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स हम अगर वापस मुड़ के देखते हैं तो हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि अगर कल को उस समय वो रिजल्ट रहा होता तो जो आज हम हैं शायद वैसे नहीं हुआ करते। इसलिए हर हाल में हमें जो भी रिजल्ट आता है उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लेना है, अपने मन की सारी एंग्जाइटी सारा डर सारा टेंशन खत्म कर दो, इट इज़ जस्ट ए रिजल्ट। ऐसे काफ़ी सारे रिजल्ट आप देखेंगे, आप तो सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आपने ऐसा रिजल्ट फाउंडेशन में भी देखा है और फिर फाइनल में भी देखने जा रहे हो, और इसके अलावा भी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसके अल्टीमेट रिजल्ट फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक जिंदगी का छोटा सा पड़ाव है, पहली बात तो ये मान के चलें और एक दूसरे को सहारा और संबल देने की कोशिश करें। अगर आप अड़ोस पड़ोस में चार्टर्ड स्टूडेंट रहते हैं तो जरूर कोशिश करें एक दूसरे से बात करें, और कोशिश करें अकेले और तनहा रहने की कोशिश न करें, माँ बाप के साथ रहें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रहें, बातचीत करते रहें, उससे आपको अपने आप ही उस माहौल से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो पहली बात तो बत्रा सर की मान लो, अकेले नहीं रहना आपने को, ना एंग्जाइटी करनी है, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, बहुतों को गिला है कि उन्हें बहुत कम मिला है, बहुतों को गिला है कि उन्हें बहुत कम मिला है, जरा सोच के देखो तुम्हें जितना मिला है उतना कितनों को मिला है, तो फिर किस बात का गम हो रहा है। हमें तो अपने आप को स्ट्रांग करना है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि वो कहावत या वो कई भी बात हमारे लिए चरितार्थ हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी इच्छा क्या है, वैसी स्थिति बनानी चाहिए। जिद करना सीखो और जो नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो हमारे ये जज्बात होने चाहिए,
रिजल्ट्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आंचल कह रही है सीए कोर्स की मेहरबानी से शादी के बिना टेंशन मिल रही है। चलिए ये एक और एडवांटेज है, वैल्यू एडेड सर्विसेज बाय आईसीएआई। शादी के बिना आप टेंशन झेलने की पोजीशन में आ गई तो शादी के बाद आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई। खुशी पूछ रही है आप कैसे हो बेटा, आई एम गुड आई एम गुड। रजनीश कह रहा है जूम मीटिंग लेना चाहिए, कल लेंगे बेटा, रिजल्ट के बाद में कल जूम मीटिंग ले लेंगे या रिजल्ट के टाइम में जूम मीटिंग ले लेंगे। मैं अभी लिंक जारी कर देता हूँ, जूम मीटिंग हम लिंक पे ले लेंगे, आप सब आ जाना। आर्यन कह रहा है मैंने 29 जून को रजिस्ट्रेशन करा है, उसके आगे क्या करना होता है, सिलेबस ओल्ड ही रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, जिन्होंने 29 जून या इस जून के लास्ट तक कर दिया है उनका अभी तक नवंबर का एग्ज़ाम ओल्ड में ही रहेगा, अगस्त के बाद में वो सारा न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात जो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, रिजल्ट की बिल्कुल चिंता न करें, जो आएगा उसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। आपने जैसे पेपर किए हैं, आपने जो लिखा है, आप भी अच्छे से जानते हैं उसका नतीजा क्या आने वाला है, इसलिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर वो अनहोनी नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। इससे कुछ ना कुछ सबक तो सीखने को मिलेगा ही, पॉजिटिव आएगा तो हमने फाइनल में जाना है, ठीक है, और नहीं आता है तो कम से कम एक अटेम्प्ट अभी आपके पास और है, ठीक है। नवंबर तक हम फिर तैयारी करके इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, एक लास्ट अटेम्प्ट तो हमारी जिंदगी में बचा हुआ ही है ना, जिसके लिए हम पुराने कोर्स के तहत ही इसको करके आगे जा सकते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुशी बेटा अब बत्रा सर बेटा अपने चैनल पर ही सब कुछ लेंगे। आंचल कह रही है कैसे ढूंढे लेते हो आप इतना पॉजिटिव, आईसीआई की शादी के लिए तैयार करना बोल रहे हो। अरे मेरे बेटा, जिंदगी में नेगेटिव रह के हम हासिल क्या कर लेंगे मुझे बताओ, पॉजिटिविटी से ही तो सब कुछ होता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो बेटा आप हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें, ठीक है। और बेटा आप तो मेरे से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़े हुए, पढ़ाते हुए मैं क्या कहा करता था, दूध के फटने से वही लोग परेशान हुआ करते हैं जिनको उससे पनीर बनाना नहीं आता। तो बत्रा सर तो उस फिलोसॉफी के, जिस दिन घर में दूध फट जाता है तो हम कहते हैं टेंशन नाट, आज पनीर की भुर्जी खाएंगे, आज पनीर की सब्जी खाएंगे, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करने की, जिंदगी में जो कुछ भी होता है इट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। एवरीथिंग इज होनी, नथिंग इज अनहोनी, नोबडी कैन चेंज द होनी, जो कल होना है वो होके रहेगा, तो टेंशन किस बात की है। पॉजिटिव आएगा आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आएगा तो एक अटेम्प्ट और है, उसकी तैयारी में लग जाएंगे अपने को, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। बात आ रही है सबको समझ में, इज इट क्लियर टू ऑल? जरा एक बार मेरी बात पे अगर एग्री करते हैं तो फिर एक बार यस सर हाँ सर एक बार कह दो, ताकि मुझे लगे मेरी बात आप तक पहुंच गई है। लास्ट राइड कर रहा है जो अनहोनी को होनी कर दे वो है महेंद्र सिंह धोनी, वो आप भी हो सकते हो। कल रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा तो आप भी लास्ट राइड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया हो जाओगे। सागर आनंद कह रहे हैं सर प्लीज प्रोवाइड ईएस लेक्चर बैच ओनली, आई वांट ओनली ईआईएस। बेटा इस रिजल्ट के बाद तू संपर्क कर लेना, तुझे अकेला ईआईएस भी दे देंगे, चिंता मत कर, अकेला ईआईएस भी दे देंगे तुझे, नो प्रॉब्लम। लेकिन टेंशन होता है ऐसा खुशी कह रही है। आंचल कह रही है आप समझते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब बड़े बोलते हैं तो विश्वास होता है कि सब ठीक ही होगा। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल ठीक होगा।
एक बात बेटा अच्छे से समझ लो, अगर आपके मन में पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपने पेपर अपने एफर्ट से ठीक किए हैं, तो बेटा रिजल्ट भी फेवरेबल ही आएगा। एक बात मैं अच्छे से बता दूं बेटा, साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट का आपकी जिंदगी के सारे कामों से सीधा सीधा संबंध है। अगर आप मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बेटा वो बात भी उस तक पहुंचती है। इसलिए अब से लेके जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपको कोई भी बात अपने दिमाग में नेगेटिव सोचनी नहीं है। आपको तो यही सोचना है, मैं तो पास करके फाइनल में जा रहा हूं या जा रही हूं, दूसरी थॉट दिमाग में लानी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव थॉट नेगेटिव रिजल्ट आती है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि रोता हुआ जाता है तो फिर मरे हुए की खबर ही लाता है। इसलिए अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट लाने नहीं, अपने पॉजिटिव सोच के साथ ही काम करो, जो होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे के लिए ही होगा। ये तो हम सबको पता है, रिजल्ट जो आना है उसका परसेंटेज फिक्स है, ये हमको पता है, हमें उस परसेंटेज में आना है। आपने जो पेपर किए हैं, आपने जो मेहनत की है, आपके जो बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहा है, उसका नतीजा आपको जरूर मिलेगा। इसलिए किसी तरीके की एंग्जाइटी टेंशन अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है, दूर रखो उसको, और खूब इस समय अपने लोगों के बीच में रहो, बातचीत करो उनसे, और इस रिजल्ट की चीज को फिलहाल दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। कल रिजल्ट आएगा, हम देखेंगे, और होप करते हैं रिजल्ट वैसा ही होगा आपके एक्सपेक्टेशन के साथ। आंचल कह रही है, नहीं तो एज ए फ्रेशर सब वर्स्ट सिनारियो माइंड में आते हैं, लेकिन आप समझाते हो दिल में ठंडक पड़ जाती है। बिल्कुल ठंड पै गई तो बेटा बिल्कुल बत्रा सर के साथ आप जुड़ जाओ बेटा, ठंड पै जाती है। मैं तो बेटा पढ़ाते हुए भी कहा करता था, मेरी क्लास में पढ़ो तो बेटा दो चार बर्फ की सिल्लियां, चाहे सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो, बेटा यहाँ रख दिया करो, ठंड रखनी पड़ेगी आपको। तो जिसने ठंड रख ली यहाँ पे, उसका सब कुछ बेड़ा पार है, और बेटा जो ठंड नहीं रखता उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसी अग्रवाल कह रही है, आप मारवाड़ी हो बेटा, बत्रा सर सब कुछ है, बत्रा सर मारवाड़ी भी जानते हैं बेटा, बत्रा सर पंजाबी भी जानते हैं, बत्रा सर बेटा सिंधी भी जानते हैं, बत्रा सर गुजराती भी जानते हैं, है ना, छह भाषाएं जानते हैं बेटा, इंग्लिश हिंदी तो हम सब जानते ही हैं। प्रीतम पूछ रहे रिजल्ट की टाइमिंग क्या है। बेटा रिजल्ट मुझे लगता है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आ ही जाएगा बेटा, तो 9 से 10 के बीच में आप बेटा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है उससे पहले भी दे दे वो। और क्या आपके मन में इस समय आ रहा है बेटा, पूछ सकते हैं आप बत्रा सर से, तो हो सकता है कि आप सुबह उठ के कंप्यूटर खोल लें और उससे पहले रिजल्ट आया हुआ हो, तो दुख दुख खत्म हो जाएगी बेटा, है ना। रुदाली फिल्म का वो गाना अपने को गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल धम धम करे घबरावे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रिजल्ट आया होगा, रोल नंबर डालो और चेक करो। हम भी कल मिलेंगे आपको आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ में। खुशी कह रही है, अब वेट नहीं हो रहा है, कांट वेट एनी मोर। आर्यन कह रहा है, सर आपसे पढ़ने के बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, आप शुरू करने जा रहा हूँ मैं फाउंडेशन के लिए, दिसंबर के कोर्स से शुरू करूँगा, फिर बेटा मई 2024 के लिए भी शुरू करने जा रहे हैं अपन, चिंता मत करो। बिल्कुल बेटा, रिजल्ट के बाद जूम पर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे, रिजल्ट के बाद जूम पर मिलेंगे। और मैं तो कोशिश करूंगा बेटा कल रिजल्ट के साथ ही जूम का एक लिंक बना के अभी आपको शेयर कर दूं, अभी रात को बैठ के टीम को कहता हूं, एक जूम का लिंक बना के कल शेयर ही कर दो बच्चों के साथ में, तो आपके रिजल्ट के साथ ही बेटा हम आपको रिजल्ट भी बताते जाएंगे और साथ साथ में आपके साथ बातचीत भी करते जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस को भी सुनते जाएंगे। आंचल कह रही है, रिजल्ट के बाद आर्टिकलशिप के लिए गाइडेंस भी चाहिए। बिल्कुल देंगे बेटा, बहुत सारे गाइडेंस दे देंगे आपको। रजनीश कह रहा है, जूम लिंक के लिंक प्रोवाइड कर दो, आज आपको ग्रुप्स में बेटा जूम का लिंक दे दूंगा मैं, तो कल हम जब जब रिजल्ट के साथ मिल रहे होंगे, आपके रिजल्ट आ रहे होंगे और बत्रा सर आपके साथ होंगे, तो जूम के साथ ही होंगे बेटा, जूम लिंक के साथ ही होंगे।
आर्यन कह रहा है अपडेट कहाँ पर मिलेगी? बेटा बत्रा सर के साथ आप जुड़ जाना जूम लिंक पे, सब अपडेट मिल जाएगा आपको। एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा ये तो बात बेटा आपको समझ में आई गई होगी, हमने आज मेनली आपको बुलाया है आपकी इस एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। अब आपके मन में कुछ भी प्रश्न आ रहा हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। प्रथमेश कह रहा है मैं याद हूं क्या? क्यों नहीं बेटा, सारे बच्चे याद हो पत्रा सर को, तो बेटा वो 33 साल पुराने बच्चे भी याद हैं। अगर मिल जाते हैं और वो बेटा थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं तो मुझे वो भी याद आ जाया करते हैं। तो बेटा आप तो अभी पिछले बैच के ही हो प्रथमेश, क्यों नहीं याद आओगे? आंचल पूछ रही है आपका ट्रिप कैसा था? बेटा बहुत जोरदार था, मैं अभी 10 दिन के लिए फिर से जा रहा हूँ बेटा एक ट्रिप पे। पिछली बार मैं 10 दिन के ट्रिप पे था बेटा, 10 से लेके 19 तक। अभी मैं फिर ट्रिप पे जा रहा हूँ बेटा, 21 से लेके 31 तक, 21st से लेके 31st तक मैं फिर ट्रिप पे जा रहा हूँ बेटा। एक आंचल पूछ रही है आप हिल स्टेशन गए थे? बिल्कुल बेटा, मैं बहुत सारी स्टेट्स गया था, इंडिया का ही ट्रिप था ये। उत्तराखंड गए थे बेटा हम लोग, हमारा एक बहुत धार्मिक और दर्शनीय स्थल है बेटा हेमकुंड साहब, समुद्र तल से करीब करीब बेटा 10 से 15 हजार फीट पर, जिसमें बेटा पहले 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई हुआ करती है बेटा, गोविंद घाट से लेके गोविंद धाम तक करीब 13 किलोमीटर पैदल चलना होता है, और उसके बाद बेटा 6 किलोमीटर गोविंद धाम से लेके आगे हेमकुंड साहब तक जाना होता है, जिसमें 4 किलोमीटर फिर खड़ी चढ़ाई होती है, और 2 किलोमीटर तो बकायदे बेटा ग्लेशियर के बीच में से निकल के गुरुद्वारे तक जाना होता है बेटा। तो उस गुरुद्वारे साहब में हम दर्शन किए, मैंने बेटा फोटोज भी मेरे स्टेटस पर डाले थे, आप सब बच्चों ने देखे होंगे। तो बेटा मैं उत्तराखंड था, मैं हिमाचल था, मैं बेटा दिल्ली था, है ना, हरियाणा में था बेटा, तो काफ़ी सारे स्टेट हम लोग घूम आए। आर्यन कह रहे फाउंडेशन कब से स्टार्ट करेंगे उसकी अपडेट? बेटा इसी चैनल पर मैं अगले हफ्ते से सब चीज़ें देने शुरू कर दूंगा, कल से। आज से मैं रेगुलर आ गया हूँ बेटा इस चैनल पे, आज के बाद लगातार बस इस चैनल से आप जुड़े रहो। जितने भी बेटा इंटरमीडिएट के बच्चे हैं आप उनको भी कह दो, मैं इस पे आज इस स्ट्रीम के क्लोज होने के बाद इस पे कुछ MCQ भी डालने वाला हूँ ESSM के CA इंटरमीडिएट के लिए, और साथ साथ में कुछ MCQ में डालने वाला हूँ मैथमेटिक्स के और ECO BC के सब्जेक्ट के लिए भी बेटा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, जो फाउंडेशन के हैं आप उनको भी कह सकते हो इस चैनल से जुड़ जाए। अब आपको इस चैनल पर बहुत सारी एक्टिविटी मिलने जा रही है बेटा, मैं बहुत जल्दी इसमें और भी कई फैकल्टीज को जोड़ने जा रहा हूँ। आंचल पूछ रही है वाह कैसे जाते हैं? बेटा देर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट, एक तरीका है पैदल चलने का, पैदल पैदल जाओ आप। दूसरा तरीका है बेटा वहाँ पे कुछ खच्चर होते हैं, घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, आप उन पे बैठ के भी जा सकते हो। तीसरा तरीका है बेटा वो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे, पहाड़ी लोग हैं नेपाल के, वो अपने पीछे पिट्ठू डाल देते हैं बेटा, आप उन पे बैठ के भी जा सकते हो। और चौथा तरीका है बेटा 13 किलोमीटर का जो गोविंद घाट से गोविंद धाम जाने का तरीका है, वो बाय हेलीकॉप्टर भी जा सकते हो। तो बेटा बत्रा सर और उनकी फैमिली ने सारे मोड यूज़ किए, हम काफ़ी देर पैदल भी चले जहाँ तक चल सकते थे, नहीं चल पाए तो बेटा फिर हमने पिट्ठू का भी प्रयोग किया जहाँ तक संभव था, खच्चर घोड़े का भी प्रयोग किया, और बेटा हमने हेलीकॉप्टर से वापस आने का भी प्रबंध किया। सो वी डन विद ऑलमोस्ट एवरी मोड, पैदल भी चल लिए, खच्चर का भी उपयोग कर लिया, पिट्ठू पे भी बैठ गए, और साथ साथ में बेटा हेलीकॉप्टर से लौट भी आए। आंचल कह रही है साउथ भी आना। बेटा मैं आके गया हूँ बेटा साउथ में, मैं साउथ का ट्रिप लगा के गया था, और अभी एक बार और सोच रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, मैं महाराष्ट्र तक आऊँगा बेटा, नांदेड़ साहब तक। बाकी मैं साउथ में आके गया हूँ, तमिलनाडु, केरला, कोवलम बीच, और इस जगह बेटा मैं आके गया हूँ आज से कुछ साल पहले, ये कोविड से पहले की बात है। हाँ आंध्रा में भी बेटा हैदराबाद आना हुआ है मेरा। आंचल कह रही है सब एक्सपीरियंस मिल गया, बिल्कुल बेटा सारी फैमिली को सारा एक्सपीरियंस करा दिया एक ही ट्रिप में बेटा, पैदल भी चलवा दिया उनको,
अच्छा पैदल चढ़ाई भी बेटा कैसी है, नॉर्मल स्ट्रेट नहीं है, यूं 45 डिग्रीज पे बेटा ऊपर जाता है रास्ता। तो मेरे ख्याल से बेटा मेरे जैसा आदमी भी बेटा जो काफी फिट है वो भी करीब बेटा 10 15 20 कदम चलता था, फिर बेटा थोड़ी देर सांस लेनी पड़ती थी। और वहां पे तो छोटे बच्चे क्या और बड़ी उम्र के क्या बेटा 70 70 80 80 साल के भी लोग बेटा पैदल चल रहे थे। और ये बेटा ऊपर वाले का करिश्मा ही है, जैसे अपन केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पे जाया करते हैं उसी टाइप का बेटा एक्सपीरियंस है। आंचल कह रही है आपके गानों ने आपकी याद दिला दी, बिल्कुल बेटा वापस याद दिला दी आपको। आर्यन कह रहा है आप सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे रहते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप? बेटा सभी पे है, टीम बेटा लगी हुई है, सभी पे एक्टिव रहना पड़ता है। क्लासेस में भी बहुत मस्ती से पढ़ाई की थी, बिल्कुल बेटा हमने क्लासेस में भी बहुत मस्ती से पढ़ाई की थी। तो अनिकेत कहता है आप ठीक है, बिल्कुल बेटा आप ठीक है। हाँ प्रतीक कह रहा है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप फर्स्ट में 2030 थर्ड अटेम्प्ट एज 23 प्लस, क्या कहना चाहता है बेटा प्रतीक बता जरा, व्हाट डू यू वांट टू से? प्रतीक बेटा क्या कहना चाह रहा है वो बता, ये तो तूने जानकारी दे दी मैं समझ गया, बट व्हाट डू यू वांट टू से? तो बेटा मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कल रिजल्ट 9 से 10 बजे के बीच में आ जाना चाहिए, हो सकता है उससे पहले भी दे दें, आप सुबह उठें और रिजल्ट आया हुआ हो, केवल आपको रोल नंबर डाल के चेक करना होगा। और मैं अभी टीम को कह देता हूं बेटा एक जूम लिंक बना देंगे, वो आपको भेज देंगे, कल आप मुझसे जूम के सेशन पर जुड़िए और हम उसी में आपसे बातचीत करते रहेंगे और साथ में रिजल्ट का भी आपके साथ इंतजार करेंगे, और साथ साथ में बातचीत करते हुए आपके एंग्जाइटी लेवल को कम करते हुए आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हुए आपको बेस्ट ऑफ लक देते हुए आपके साथ समय बिताएंगे और आपके रिजल्ट को चेरिश भी करेंगे, ठीक है? और जैसा मैं कह रहा हूँ बेटा ये केवल एक पड़ाव है, ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये केवल एक पड़ाव है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, निगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, दोनों स्थितियों से हमें बेटा क्या कहना है, अपने आप को आगे ले जाना है। पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप फाइनल में हैं ही बेटा, और रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ पाता है तो बेटा इससे सीखना है और हमें आगे ये तय करना है कि कैसे इस कमी को दूर करते हुए ये जो एक लास्ट अटेम्प्ट हमें और मिला है नवंबर 2023 का, उसमें अपने आप को बेटर कर सके। हाँ कंटिन्यूइंग सीए बिकॉज ऑफ द एज, बिल्कुल बेटा कंटिन्यू करें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी बेटा हाँ जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बेटा आप सब क्लासेस जो आपको मिलने जा रही हैं वो बेटा इसी चैनल पर और हमारी वेबसाइट्स पे मिलेंगी। तो आप बेटा आपको बत्रा सर से कोई भी संपर्क करना है तो बेटा उसका तरीका यही है www.batrasar.com, सब कुछ चीज़ें बेटा आपको हमारे प्रोडक्ट यहीं पे मिलेंगी, चाहे बेटा वो सीए फाउंडेशन का मैथ्स स्टैट्स और एलआर का पेपर हो या बेटा इकोनॉमिक्स का पेपर हो, पेपर नंबर 3
और पेपर नंबर चार, ये बेटा दो मैं देने जा रहा हूँ आपको, पर्सनली मैं करवाऊंगा बेटा। और इसके अलावा सीए इंटर की बात करूँ तो बेटा पेपर नंबर 6B स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो 50 मार्क्स का है बेटा, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इस न्यू कोर्स में। तो दिस इज़ फॉर द न्यू कोर्स जो कि बेटा मई 2024 से लागू हो रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता है तो बेटा नवंबर 2023 के लिए पत्रा सर ने एक तो रेगुलर कोर्स जारी कर रखा है, ठीक है, जो इस समय 50% पे अवेलेबल है, वही प्राइस कर दी है नवंबर तक के लिए हमने, 4100 पे, इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग प्रिंटेड बुक्स। और बेटा जो लोग हमारा फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक वो भी 50% पे दे रहे हैं हम लोग, उसकी कॉस्ट है 3500 इंक्लूडिंग प्रिंटेड बुक्स। तो जो लोग बेटा बत्रा सर से नहीं पढ़े हुए हैं, कहीं और से पढ़े हुए हैं और चाहते हैं फास्ट ट्रैक मिल जाए उन्हें, तो बेटा बत्रा सर का फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है 50% रेट पे, 3500 रुपये में केवल, तो ये हम देने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, पीसी के फाउंडेशन भी पढ़ा देंगे बेटा ओल्ड कोर्स में, और सीए फाउंडेशन में इको एंड बीसी के बेटा वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और उसका प्राइस भी करीब बेटा हम लोग 4500 के आसपास रखेंगे, इंक्लूडिंग बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। इको बीसी के फॉर नवंबर, नवंबर नहीं मतलब वो दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर 23, तो उसमें हम रख देंगे बेटा। प्रतीक कह रहा है डज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज मैटर्स। बेटा ये निगेटिव बातें दिमाग में तू लाई मत, ठीक है, तू बत्रा सर से जुड़ जा, हम कोशिश करेंगे बेटा आप हमसे जुड़ने के बाद एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे। इस सीए कोर्स की बेटा सबसे बड़ी खूबसूरती कह लो या कह लो बेटा कमी ये है कि जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं रहता, जो जिसमें परसिवियरेंस नहीं है, जिसमें बेटा टालने की प्रवृत्ति है बेटा, वो कभी सीए बन ही नहीं पाता। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट है, जो बंदा परसिवियरेंस रखता है बेटा, जो चीज़ों को टालता नहीं है, लगातार करता चला जाता है बेटा, वो सीए बन ही जाता है। सीए के कोर्स में पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, सीए के कोर्स में इंड्योरेंस होना बहुत बेटा खास बात है, कि आप अपने आप को 3 साढ़े 3 साल तक लगातार अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो अपने आप को लगातार अप्लाई कर लेता है वो चार्टर्ड बनता है बेटा। पत्रा सर ने पिछले 33 सालों में बेटा 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए, उनमें से बेटा 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक्स ले आए, 75 से ज्यादा रैंक बेटा पोजीशन 1, 2, 3 के लिए आए बेटा। नंबर स्कोर करते हैं बम्पर 80, 90, 90 से ज्यादा नंबर स्कोर करते हैं बेटा बच्चे, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, और जब मैं फाइनल पढ़ाया करता था, फाइनल मेरा पेपर था इसका, तब 20,000 से ज्यादा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं बेटा बत्रा सर से पढ़ के, जो इंडियन अब्रॉड में काम कर रहे हैं। मेरे अपने शहर जोधपुर में बेटा, मेरे अपने शहर जोधपुर में मेरे से पढ़े हुए बेटा, अभी वो पता नहीं यहाँ हैं काफी लोग और कई बार चले गए बेटा जोधपुर ब्रांच में, जो रजिस्टर्ड है उनमें से 700 से 800 तो बेटा बत्रा सर से पढ़े हैं। तो बेटा मैंने एक ही बात नोट की है पिछले इतने सालों में, जो बच्चे में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंड्योरेंस है, परसिवियरेंस है, लगातार कमिटमेंट है अपने कोर्स के प्रति, उसका चार्टेड बनना तय है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने लगातार फॉलो करते हैं अपने टाइम टेबल को। क्योंकि सीए का कोर्स ऐसा है जो बेटा ऑन ऑफ स्विच की तरह काम नहीं किया जा सकता कि आज सैटरडे है मैं पार्टी करूंगा, संडे मैं पार्टी करूंगा, नहीं। आप एक बार सीए कोर्स में आ गए तो बेटा आपको एक लगातार टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, जो हम करवाते थे आपको। तो बस आप लगातार उस टाइम टेबल को फॉलो करें, लगातार पढ़ते रहें, और जैसा मैं मेरे सब्जेक्ट में करवाता हूँ बेटा, अभी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, रिजल्ट कल ही आएगा, मुझे ये डिस्क्लोज कल ही करना था, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये नवंबर 2023 का मेरे ईएसएसएम पेपर का लास्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है 100 मार्क्स के पेपर का, और कई बच्चों ने खूब मेहनत की है, लेकिन आपको मालूम है रिजल्ट जो परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने देना है उतना ही देगी, जिसमें बेटा हम अच्छे से जानते हैं पास परसेंटेज का नंबर कम होता है और अनफेवरेबल वालों का परसेंटेज नंबर ज़्यादा होता है। तो इस बार मैंने सोचा है बेटा जिन लोगों का रिजल्ट उतना फेवरेबल नहीं आएगा उनके लिए मैं 1-to-1 मेंटरिंग सेशन, और उसके बाद 1-to-1 मेंटरिंग सेशन के बाद बेटा उनकी जहां कमी है
उसके ऊपर फोकस करके बेटा कोशिश करेंगे इस नवंबर अटेम्प्ट में उनको पास कराया जाए। तो एक तरीके का मैं कस्टमाइज पैकेज लेके आने वाला हूँ बेटा उन सब बच्चों के लिए जो कि नवंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे। अब इसके बाद कल मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा जब बात हो जाएगी बेटा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बत्रा सर और बेटा मेरे साथ जो और लोग जुड़ने वाले हैं वो टीम हमेशा आपके साथ अवेलेबल है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, रिजल्ट कल आपके फेवर में आ जाता है, बहुत अच्छी बात बेटा, फाइनल में मिलेंगे हम लोग। और नहीं भी आता है तो बेटा मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां जहां आपकी कमी होगी हम कस्टमाइज तरीके से 1-to-1 बेसिस पे आपसे बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और उतनी तैयारी आपको कराएंगे ताकि आपका बेटा नवंबर अटेम्प्ट आसानी से निकल जाए और बेटा आप फाइनल्स में नजर आए। तो अब बताएं बेटा क्या और आप जानना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं इससे मैं 90 बच्चा लाइव चल रहा है इस सेशन में हमारे साथ में, बहुत अच्छी बात है बेटा, लगातार इस चैनल को आप प्यार देते रहे और मेरा प्रयास रहेगा इस चैनल पे मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको दे पाऊं बेटा, CA फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के और नए कोर्स में तो बेटा फाइनल के भी कई पेपर आ गए हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको बहुत कुछ मेरी तरफ से मिलने वाला है। और भी आपकी डिमांड के अनुसार बेटा बहुत अच्छे टीचर्स को मैं जोड़ूंगा, एक टीम हम बना ही रहे हैं वैसे भी बेटा, जो CA CS CM है आपको तीनों ऑफर करने जा रही है। तो बहुत जल्दी बेटा हम लोग मई 2024 के लिए एक बम्पर अनाउंसमेंट के साथ में पूरी टीम के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आज के सेशन को मेरे ख्याल सब समाप्त कर देना चाहिए बेटा। प्रतीक कह रहा है डर लग रहा है, बेटा डर नहीं लगना चाहिए आपको, और मैंने जैसा कहा है बेटा कोशिश करो अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, लोगों से लगातार बातचीत करते रहो, रिजल्ट का ख्याल दिमाग में नहीं लाना है, वो हैंगओवर नहीं होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आएगा, आपने जो मेहनत की है उसके हिसाब से उसका नतीजा आना ही है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट ए डेट डिसीजन, आपने जो मेहनत की है उसका नतीजा ICAI आपको देने जा रही है। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है बेटा, आपको पता ही है 2024 में लागू हो जाएगा, और मेरा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन है बेटा उसको बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, मैं देख भी रहा था उसको, और मैं उसकी बेटा क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ अपने एक वार्म अप बैच के थ्रू, ताकि बच्चों को बता सकें हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसमें। तो अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट इस मंथ के एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन मैं उससे पहले 2024 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स क्या होने जा रहा है उसकी कुछ क्लासेस जो है अपने इस चैनल पे बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू रिकॉर्डिंग, नए कोर्स और नए तरीके से पढ़ाने के लिए इसी चैनल पे आपको मिलेंगी लाइव। आंचल कह रही है थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन, आपसे बहुत दिन बाद मिलकर अच्छा लग रहा है बेटा, सेम हियर। तो बेटा जी मेरी तरफ से मैं सेशन का लिंक आपको दे दूंगा, आप कल जुड़ जाना मेरे साथ में, हम लोग साथ मिलकर बेटा रिजल्ट को देखेंगे, और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कल के रिजल्ट के लिए। होप करते हैं आप सभी अपने मन चाहे रिजल्ट को कल पाएंगे और उस रिजल्ट के खुशियों में हम भी आपके साथ शामिल होंगे, और कल सुबह भी एक सेशन रखूंगा मैं और कल शाम को भी एक सेशन रखूंगा व्हाट नेक्स्ट, अब इस रिजल्ट के बाद हम क्या करें। तो कल हम दो सेशन में फिर आपके साथ मिलने जा रहे हैं, बहुत जल्दी मैं उनके जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और मैं एक जूम का लिंक बना के भी टीम को कह देता हूँ, ग्रुप्स में डाल देंगे जिनमें आप हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ से हम आपके साथ कल मिलकर रिजल्ट को आपके साथ ही आपके लिए इसी चैनल पर मिलकर देखेंगे और अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर, शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज तक पहले कभी नहीं आए, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर लें और दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी हम आप तक शेयर करने जा रहे हैं नए और पुराने कोर्सेज के बारे में, और इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स के इंटरव्यू में लेके आऊँगा, आर्टिकलशिप के बारे में भी जानकारी देंगे और बहुत कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल।